दुर्भाग्य से मासिक धर्म संबंधी स्वास्थ्य कई मिथकों से घिरा है। पुरुषों और महिलाओं दोनों को इस विषय में शिक्षित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अधिकांशत प्लास्टिक और केमिकल्स से बने वर्तमान पैड्स का प्रयोग पर्यावरण के लिए खतरनाक है। हमें स्वास्थ्य एवं पर्यावरण में से किसी एक को चुनने की आवश्यकता नहीं है। मेरी परदादी से मैंने एक कहानी सुनी थी, दासन गांव के सबसे बुजुर्ग कुंवारी लड़की की। उसका नाम था लोकेश और उसे एक दुल्हन की तलाश थी। जाने दो लोकेश भैया, ये तो सिर्फ रिजेक्शन नंबर 43 है। अरे तीलू, इसका क्या बुरा मानना, हमको तो वो गीता भी रिजेक्ट कर चुकी है। बगल वाले गांव वो गंजी की गंजी गीता। हाँ। आप तो लंगड़ी ललिता को भी ट्राई कर लो, वो तो आपको जरूर हाँ कहेगी। कोई फायदा नहीं, जाने देना यार। जब तक हमारे दांतों का प्लांट नहीं हो जाता, शादी तो नामुमकिन है। समझ नहीं आ रहा है, इतने पैसे लाऊं कहां से। हाँ भैया, इतना पैसे के लिए तो कोई चमत्कार की जरूरत है। Excuse me, do you speak English? I'm looking for a dalal. Huh? A land broker. Madam, help? You want help? Myself, Lokesh, land broker. This Tilu. Hi, I'm Vicky Landy. Landy? Hey. Yes, I'm actually here to put up a factory in Dasengao. Factory? Yes. Yaha Kela milega mujhe? Kela? Bhaiya, isse pooch lo kya hone wala hai factory. Aapko iske irade theek nahi lag rahe. Chup kar de. Is factory ke liye mujhe सब फार्मर्स के केला चाहिए। केला? मैडम, और केला, योर केला। हो जाएगा। मैडम, सेल्फी। कभी गुरु मैम देखी नहीं ना। हो गया? आइए। थैंक्स। उठा, उठा, तो उठा ले। आइए, आइए। आखिरकार लोकेश दूल्हा बन ही गया, लेकिन मैं बदले की आग में तड़प रही थी। लोकेश के होने वाले ससुर जी हरीश जी को जब लगा कि उनकी इकलौती बेटी की शादी में मच्छरों के सिवाय और कोई नहीं आने वाला, तो बेचैनी के मारे उन्हें इतना पसीना आया कि उस पसीने की टपकती बूंद से टकराकर जगन्नाथ चल बसा। जगन्नाथ सिर्फ एक मच्छर ही नहीं, बल्कि बिस्तर में एक बब्बर शेर भी था। गुलाबी पगड़ी वाले ये हैं लोकेश के पिताजी किशन। इनसे ज्यादा व्यक्तित्व इनकी बीवी के ठोड़ी के बाल में था। लोकेश के कारनामों ने सब बर्बाद कर दिया। अब हमारी छुटकी से कौन ब्याह करेगा? लोकेश की माँ भगवती, दासन गांव की गासिप क्वीन, आज खुद ही सबसे बड़ी गासिप बन गई थी। और लोकेश की छोटी बहन चुटकी टीलू के सेक्सी जिस्म को देखकर हवस में पागल हो रही थी।
पर टीलू को इस वक्त ये चिंता थी कि उसकी गाय मुन्नी के दर्द के कराने की वजह फिर से वही तो नहीं थी। लोकेश ने दुल्हन के पिताजी को पैसों की चमक दमक दिखाकर मना तो लिया था, लेकिन उन्हें इस बात की भनक तक नहीं थी कि सारा गांव लोकेश के कारनामों से नाराज था। और ऊपर से लोकेश की दुल्हन ने तो कभी उसको देखा भी नहीं था। लोकेश का बेस्ट फ्रेंड था, उसकी गाय मुन्नी परिवार का एक अहम हिस्सा थी, लेकिन उसकी तकलीफ का कारण पता ही नहीं चल रहा था। पिछली दो बार जब ऐसा हुआ था तो पता चला था कि मुन्नी पेट से है। प्यारी मुन्नी के आसिकाना मिजाज से सारा परिवार परेशान। हम हमारा केला नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। हमारा केला हमारा है, हमारा है, हमारा है। केलों की बर्बादी नहीं केला? चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। केला खाएंगे मगाएं क्या? गोरी मैम वापस जाओ। हमारा केला हमारा है, हमारा है, हमारा है। किसान, ये गोरी मैम कौन है? विक्टोरिया लंडी, ऑस्ट्रेलिया से एक वैज्ञानिक जिन्होंने दासन गांव में केलों की क्रांति लाने की कोशिश की, लेकिन भिक्की का सौदा सुनकर गांव वालों के केले एकदम ठंडे पड़ गए। चुड़की, I'm so sorry, I'm late. Hi, is the ceremony over? Congratulations. Oh, hello. Namaste. अब आएगा मजा। गौरी, हमारी ही वजह से भागने का सोच रही थी क्या? वो फैक्ट्री के काम का आखिरी किस्त आते ही हम अपने दांत का प्लांट करवा लेंगे, तुम्हारे बाबूजी से बताए थे हम। सुहागराज से तो हमको भी बहुत डर लगता है गौरी, हमको अपनी ही शक्ल पसंद नहीं है। तो तुम घबराओ मत, हम पहले अपने दांत ठीक करवाएंगे, उसके बाद ही सुहागरात मनाएंगे। तुम यहीं रुकना, हाँ तुम यहीं रुक, हम अभी आते हैं, यहीं रुकना। विक्की जी, ये क्या बात कर रहे हैं आप? हैं? अरे भाई, हम भी किसान हैं, हम भी केला का खेती करते हैं, और हम भी ऐसा काम के लिए अपना केला नहीं देंगे। पर हरीश, आपको क्या पता है? केला एक पवित्र फल है जो प्रसाद में चढ़ता है। आई बड़ा केला लेने। We use the banana fiber. Wait, at least look and see what Lokesh and I are making in the factory. Bhagwati! Hey, Bhagwan! Chichi! Hey, Bhagwan! What did you get for me? Chi? I don't know. Do you know our village? If it falls on the ground, then Bhagwan Ji will give it to us.
अंधा? पर ऑस्ट्रेलिया में तो सब लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, तो कोई अंधा नहीं हुआ। विकी मैडम भी अंधी नहीं हुई, वो भी इस्तेमाल करती है। विकी मैडम? हाँ, वो विकी मैडम और मेरी वजह से ही आज शादी में कोई नहीं आया। मतलब? विकी मैडम ऑस्ट्रेलिया से आई है, हमारे गांव में फैक्ट्री डालना चाहती है। विकी मैडम को मदद चाहिए थी और हमको पैसे चाहिए थे ताकि हम अपने दांतों का इलाज करवा के आपसे शादी कर सके। लेकिन ये हमारे गांव वाले फैक्ट्री डालने ही नहीं दे रहे। क्यों? अरे क्योंकि ये बनेगा फैक्ट्री में, ये गांव वाले अपना केला सड़ा लेंगे लेकिन इसके लिए नहीं देंगे। उनके लिए तो ये अपवित्र चीज है ना। फाइबर है और इसको इस्तेमाल करने के बाद उसको फेंकने की जरूरत नहीं है। इससे खाद बनेगा जो किसान के लिए बहुत फायदेमंद है। विकी मैडम का प्लान बढ़िया था, वो तो गांव की औरतों को नौकरी भी देना चाहती थी। सब चौपट हो गया। नौकरी? हाँ, खुद के पैसे। गौरी जी, पहन के देखो ना। हाँ हाँ, अरे क्या तमाशा बना रखा है आपने? अम्मा, आप लोग बोले कि लोकेश फर्टिलाइजर का फैक्ट्री चलवा रहा है, झूठ बोले थे। हमें नहीं पता था कि आप लोग इन तरीकों से पैसा बना रहे हैं। पता नहीं एक बायोडिजेबल सैनिटरी पैड से हरीश जी इतना क्यों डरते हैं। मेरा फेमिनिस्ट जगन्नाथ मुझे बहुत याद आ रहा था। ससुर जी, अम्मा, अरे तुम तो चुप ही रहो, पूरा खानदान ना श्रम बेच खाया है। I'm so sorry, Lakesh. I had no idea you were facing all of this. Vicky ji, अब तो हम एक मिनट भी यहाँ नहीं रुकेंगे। एक मिनट। अंकल जी, भैया जो कुछ भी कर रहे हैं वो अच्छे के लिए कर रहे हैं और हम किसके लिए? बताओ, किसके लिए अच्छा कर रहे हैं? गौरी, गौरी ने कपड़ा छोड़कर बायोडिजेबल पैड अपना लिया था। बाबूजी, अरे बाबूजी नहीं, चल बाबूजी, दुख रहा है, छोड़। देख बेटा, देख,
यहाँ कोई शादी वादी नहीं हो रही है, हम लोग घर जा रहे हैं। और तुझे पता है ये लोग क्या कर रहे हैं? लेकिन लेकिन बाबूजी मुझे नहीं जाना, और मुझे सब पता है। क्या? चल आ बेटी। ससुर जी क्या? अरे घर तो उधर क्यों खड़े हो, गौरी इधर इधर खेल रहे हैं ना। अरे हमारे जीते जी शादी रुक नहीं सकती, हम होने नहीं देंगे। हमारी बहुरिया कहीं नहीं जाएगी, ये शादी नहीं रुकेगी। अरे आप क्या बोल रहे हो? अरे इधर तो, दिस इज गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल। I'm sorry, Lokesh, but this is just too risky for my investors. I'm really sorry. I don't want anyone to get hurt because of this factory. But Vicky, madam, if you go, dreams go. Or sex we go. Lokesh, I've always appreciated your enthusiasm. But I'm sorry. बेकार में इतना तमाशा खड़ा कर रखा। अरे भाई औरतों को तकलीफ क्या है, सदियों से सब ठीक ही तो है। तकलीफ? हाँ। आपको क्या पता कि तकलीफ है या नहीं? अरे हम लड़कियों की पढ़ाई पूरी नहीं हो पाती, हम खुद पैसे भी नहीं कमा सकते। सदियों से हम औरतें यही जीवन तो जीती आ रही है। हाँ। तकलीफ है हमें। मुन्नी का ताजा गोबर देखकर टीलू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। शुक्र है मुन्नी को सिर्फ बदहजमी हुई थी, वो बदनाम नहीं थी। काफी समय लगेगा टीलू को ये समझने में कि एक स्त्री का आदर सिर्फ उसकी योनी में नहीं होता। हम उनकी मैडम को लेके आते हैं। मैं भी। गौरी बेटा, टुटकी, वापस आओ। क्या तमाशा है ये? अब काहे बोल रहे हो, जब बोलना था तब तो बोले ना ही। चल चुटकी। भैया मैं भी आया। ये बायो डिजेबल पैड्स और केलों की बहस में मैं भी भटक गई थी, पर अब मैं हरीश जी को बदले में मलेरिया देने के लिए बिल्कुल तैयार थी। लेकिन फिर उन्हें अकेला हारा हुआ देखकर मुझे सारा दृश्य दिखने लगा। दासन गांव की औरतों की तरक्की हरीश जी को दिल दिल मारेगी। ओ माफ कीजिए, मैंने अपना परिचय तो दिया ही नहीं। मैं नारायणी, जगन्नाथ की विधवा। जनसंख्या को देखते हुए यदि भारत की प्रत्येक महिला सैनिटरी पैड का प्रयोग करना शुरू करे तो एक साल में 9 लाख टन कूड़ा पैदा होगा, जिसे गलने में लगभग 400 साल लगेंगे। केले के रेशे से बने 100% बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड से किसानों को भी लाभ होगा, क्योंकि उनका कूड़ा एक उपयोगी उद्देश्य के लिए खरीदा जाएगा। ये पैड केवल 6 महीनों में गल जाएंगे। All the fellas in the cellars wanna get up in my jam. Why are they in the cellar? Cause club don't rhyme with fella man. It's time to tell my man, so pay attention to what this little lady really wants up in her pants. Give me your Kayla, ah, ah. Give me your Kayla, ah. Give me your Kayla, ah, ah. Give me your Kayla, ah. I'm tired of all the synthetic plasticity. Wait, what I really meant to say was plasticity. They fill up every corner, every gap in cities. Those bleached out six packs, so itchy. I need the whole deal, 100% real. I need to so feel, so fresh, so fresh, so clean. Bigger, better, from a farmer. Wait, farmer? That's really specific. What have you been singing about? I'm singing about biodegradable pads, you know, stuff that's made from banana fiber, so it benefits the farmer and the environment. And wait, what did you think I'm singing about? Yeah, no.
Would it be better if I did the whole song again with context this time? Okay. I'm tired of all the synthetic plasticity. What I meant was plastic and bad. Now you see, they fill up every landfill, every gas and cities. Those bleached out six pads, so itchy. I need the whole deal, 100% real. I need the soap feel, the fresh, fresh, the clean. Bigger, quicker, from a farmer, better. Throw your pads up in the air, ladies. Now pick them up. Cause littering's not cool, man. Why would you do that? That's so not cool. Welcome, internet. It's great that you guys are finally having conversations around menstruation, which has been a taboo topic for so long. But while we're on the topic, maybe it's important to also talk about sustainable menstruation, because most sanitary pads that we use are made of nearly 90% plastic that is non-biodegradable. And if every woman in this country started using sanitary pads, we would create nearly 900,000 tons of waste that would go into our landfills every year. 900,000 tons. And that would take more than 400 or 500 years to decompose. So there are alternatives. I wouldn't say stop using pads. There are alternatives. I personally use the menstrual cup along with a reusable cloth pad. But for those who find that too cumbersome, there is a super cool option. The Kela. This is a biodegradable pad that is made from banana fiber. The pad makers actually employ local farmers, and then when the pad is used, it goes back and forms compost, which goes back to the environment. So I think that's super great. So give me your Kela.